पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है प्रदेश को। लेकिन 27,000 करोड़ तो अब तक दिया है, अगर राज्य सरकार का आवश्यकता होगी वो मांग करेगी तो आगे 27,000 करोड़ और उसके आगे 27,000 करोड़ भी दिए जा सकते हैं, लेकिन काम करने की जिम्मेदारी, धरातल पर इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, लोगों को राहत देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार को अपने काम की गति को बढ़ाना पड़ेगा। राजस्थान में बिजली संकट केंद्र पर टाल रहे हैं गहलोत सरकार। देखिए, जिस तरह से बिजली संकट के नाम पर महंगी बिजली खरीदना और महंगी बिजली खरीद करके घोटाला करना, ये कांग्रेस के लिए और गहलोत सरकार के लिए नया विषय नहीं है। वो बार बार कहते हैं मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाऊँ, पिछली दो बार का इतिहास भी उठा करके देख लिए, देखिए जब कभी भी कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार सत्ता में रही है, राजस्थान में हमेशा बिजली संकट आए हैं। एक बार अनुसंधान, आप सब मित्रों के लिए भी अनुसंधान का विषय है कि क्यों ऐसा उसी सरकार के समय में होता है। बिजली की जिस तरह से कटौती करके और हालात खराब किए हैं गाँवों के अंदर, इतनी हालत खराब है, मैं सोचता हूँ कि अशोक जी गहलोत खुद एसी के अंदर बैठे हैं, उनको पता नहीं है कि गाँवों में क्या हालात हैं। इसलिए जहाँ तक लगता है कि कोयले की खरीद को लेकर और जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, ये सारा देखकर मुझे लगता है कि इनको सिर्फ अपनी सरकार के अंदर सरकार बचानी है और मंत्री है वो लूटने में लगे हुए हैं और जनता से उनको कोई सरोकार नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये समय सबसे भयावह स्थिति अगर इस हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद में राजस्थान की बनी है तो वो अब बनी है। ऐसा मैंने राज कभी नहीं देखा, जो इस समय सारे मंत्री, सभी विधायक और कांग्रेस के जितने नेता हैं इनके सब लूटने में लगे हुए हैं तो, और ये शायद स्थिति पहली बार ऐसी मैंने देखी है। सिर्फ राजनीतिक पानी पे कर रही है, चाहे वो अपना तीसरा चरण हो पानी का, लिफ्ट कैनाल का, चाहे वो पूर्व नहर हो, 2 साल तक तो वो चुपचाप फाइल लेके बैठे रहे और उसके बाद आज तक केंद्रीय सरकार से उन्होंने कार्रवाई की नहीं। इस कारण जो भी समस्या केंद्र से जाके सीधे राजनीति नहीं करके चर्चा करके प्रस्ताव दे के सही ढंग से बात करें, राजनीति से ये चर्चाओं का, समस्याओं का हल नहीं होगा। उनको चाहिए कि जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो प्रोजेक्ट ले जाकर उससे पर चर्चा करके वो राज्य केंद्र सरकार हर राजस्थान की समस्याओं को समाधान करने के लिए तैयार है।